والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. محترم سامعین، آج اس مبارک مجلس کا عنوان حضرت مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کب، کہاں اور کیسے، اس موضوع پر ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک جو فتنے رونما ہونے والے ہیں ان کے متعلق ہمیں رہنمائی اور رہبری کی گئی ہے، تاکہ ان سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو. اور نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ بھی نئی شریعت لے کر اس امت میں نازل نہیں ہوں گے، بلکہ شریعت یہی ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین. قیامت قائم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے نہ جا ملیں. وحتی یعبد الاوثان، اور یہاں تک کہ وہ لوگ مورتیوں کی پرستش نہ کرنے لگ جائیں. وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ، اور یہ کہ میری امت میں بھی 30 جھوٹے لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں سارے نبیوں میں آخر میں آنے والا ہوں اور خاتم النبیین ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک نبوت کا دعویٰ کرنے والے، اس حدیث میں 30 ارشاد فرمائے گئے، دیگر بعض حدیث میں 70 کے قریب بتلائے گئے. دیگر بہت سارے فتنوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے ہمیں بتلایا ہے تاکہ اس سے بچا جا سکے. بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی اس موقع پر اس مضمون پر جمع کرنے کا کیا معنی ہے؟ گزشتہ کچھ دنوں پہلے اورنگ آباد میں شکیل ابن حنیف کی تردید
और उसकी हकीकत के मुताबिक मदारिस के उलमाए किराम को ट्रेनिंग के लिए तरबियत के लिए जमा किया गया था। उस मौके पर बहुत सारी बातें वहां पर पेश की गई। उलमाए किराम जो दारुल देवबंद से वहां तशरीफ लाए थे, उन्होंने एक बात की तरफ इशारा किया कि अगर इन फितनों की तरफ तवज्जो न की गई तो खौफ महसूस होता है कि कहीं औरंगाबाद भी महाराष्ट्र का दूसरा पादियान न बन जाए। और उन उलमाए किराम ने इस पर अफसोस का इजहार भी किया कि हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में इतनी ज्यादा गुमराही नहीं फैली शकील इब्ने हनीफ से जितनी महाराष्ट्र में फैली, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र वालों ने इसकी तरफ तवज्जो कम दी और खत्मे नबूवत पर मेहनत करने वाली कोई कमेटी हमारे यहां पर नहीं, जबकि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें महसूस हो रही। वहीं पर नए दो फितनों के मुताल्लिक तस्किरा किया गया कि हमारे नौजवान इंटरनेट और यूट्यूब के जरिए से तेजी से उनके हमनवा बन रहे हैं और उनकी बातों को कबूल कर रहे हैं, उनके दर्स को ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पर सुन रहे हैं। कर्नाटक के इलाके के मुताबिक बताया गया कि 350 नौजवान अहमद ईसा नामी शख्स जिसने पड़ोस के मुल्क से नबूवत का दावा किया था उसके हमनवा बन गए और उसके ताबे बन गए, वो यही समझ लें कि वो लोग मुर्तद हो गए। मजीद ये बतलाया गया कि कैनेडा से मजीद एक मुसलमान जो अपने आप को शबाहत के एतबार से बिल्कुल कोई पक्का दीनदार जाहिर करता है, उसने नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुदाई का दावा किया है और उसके भी बहुत सारे नौजवान ताबे हो गए हैं, मुरीद हो गए हैं। मजीद बहुत सारे फितनों के मुताल्लिक वहां तस्किरा किया गया। हमारे अपने शहर धूलिया में भी गुज़िश्ता कुछ महीनों पहले कुछ इलाकों से शिकायत मिली थी। इमसान तो साफ तौर से ऐसा कोई नाम नहीं आया कि जो इस तरह से शिकार हुआ, लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों में उन्हीं फितनों से मुतासिर होकर, खुसूसन शकील इब्ने हनीफ के फितने से मुतासिर होकर हमारे शहर के तकरीबन 10 से ज़ायद अफराद शहर धूलिया छोड़कर औरंगाबाद में बड़े गांव में मुकीम हो चुके हैं, जहां सिर्फ शकील इब्ने हनीफ के मुत्तबईन रहते हैं। और नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक अब उसको वो ईसा इब्ने मरियम भी मानते हैं। अगर हम लोग बिल्कुल खामोश रहे और इन चीजों की तरफ हमने तवज्जो नहीं की तो अंदरूनी तौर से ये फितने हमारे मुआशरे को खोखला कर देंगे और मामला जब हद से ज्यादा आगे निकल जावे और काबू से बाहर हो जाए उस वक्त इसके मुताल्लिक मेहनतें करना उससे बेहतर ये है कि उससे पहले इसकी आगाही लोगों के अंदर कर दी जावे, ताकि उन फितनों से लोग बचें, खुद भी अपने ईमान के मुहाफिज बने और दूसरों के भी ईमान के बचाने का जरिया बने। वक्त इतना नहीं है कि इन चीजों के मुताल्लिक तफसीली बात करूं,
लेकिन क्योंकि जो भी शख्स नया खड़ा होता है, बल्कि ये समझिए कि उसको खड़ा किया जाता है, तो पहले से उसके लिए कुछ लोगों को जमीनी तौर से हमवार करने की कोशिशें की जाती हैं। वो गाहे बगाहे उसकी कुछ तारीफात, उलू, न जाने क्या क्या चीजें करते हैं, फिर मौका आने के बाद में फिर वो दावा किया जाता है, जिसकी वजह से कम वक्त में ज्यादा लोग मुत्तबईन उसके हो जाते हैं और गुमराह हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कयामत तक आने वाले फितने, और खुसूसन ऐसे फितने जिनकी वजह से लोग गुमराह हों, वो साफ तौर से बतलाए हैं, ताकि ऐसा न हो कि हजरत महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाएं तो उनको पहचानने के अंदर लोग शुकुक शुबहात में मुब्तला रहें। अगर ऐसा हुआ कि साफ तौर से उनकी अलामत न होती तो उनको भेजने का मकसद ही फौत हो जाता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के मुताल्लिक बहुत तफसीली तज़किरा फरमाया है। अहादीस की किताब में तकरीबन अक्सर किताबों में किताबुल फितन करके बड़ा ज़खीम हिस्सा रखा गया है, जिसमें फितनों के मुताल्लिक तज़किरा किया गया। कुछ फितने वो हैं जिनमें गिरफ्तार होने की वजह से लोग गुनाहगार होंगे, लेकिन कुछ फितने वो हैं जिनमें गिरफ्तार होने की वजह से लोग काफिर, मुर्तद या मुशरिक होंगे। कयामत की अलामतों में कुछ अलामतें वो हैं जिनको अलामत बईदा कहा जाता है, जो बहुत पहले वाकई हो चुकी, जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयासत, चांद के दो टुकड़े होने का वाकया, तातारियों से मुसलमानों की जंग, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत लंबे जमाने में वाकई हो चुकी हैं, उनको अलामत बईदा कहा जाता है। कुछ अलामतें वो होती हैं जो दरमियान में पेश आ रही हैं और पेश आती रहेंगी, लेकिन इंतहा को अभी नहीं पहुंची। उन अलामात को अलामत मुतवस्सिता, दरमियानी अलामतें कही जाती हैं। और कुछ अलामतें वो होंगी जो बिल्कुल कयामत से पहले पेश आएंगी, उनको अलामत करीबा कहा जाता है। उसमें है हजरत मेहदी की आमद, दज्जाल का खुरूज, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल। मशरिक में, मगरिब में और जज़ीरे अरब में जमीन में लोगों का धसाया जाना, दाबतुल अर्द का निकलना, सूरज का जिस जगह गुरूब होगा कयामत से पहले उसी जगह से तुलू हो जाना, याजूज माजूज का निकलना, ये अलामतें वो हैं जो बिल्कुल करीब होंगी कयामत से पहले। और इन अलामतों के बाद ऐसा वक्त होगा, गोया ये समझें कि जिस तरह से हामिला ऊंटनी की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद पता नहीं होता कि कब बच्चा उसको पैदा हो जावे और वो बच्चा जन जावे, वैसे ही कब उसके बाद में कयामत आ जाए किसी को पता नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मेहदी की आमद से मुताल्लिक कुछ चीजें इरशाद फरमाई हैं। हजरत मेहदी के दुनिया में आने से पहले जुल्म सितम बहुत अरूज पर पहुंच चुका होगा,
जिना बिल्कुल आम हो गया होगा, मस्जिदों का अदब और एहतराम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, हलाल और हराम की तमीज नहीं रहेगी, शराब आम हो जाएगी, मर्द रेशमी लिबास और सोना इस्तेमाल करने लग जाएंगे, अखीरी लोग अव्वलीन को बुरा भला कहने लग जाएंगे, जकात को टैक्स समझा जाने लगेगा, माँ बाप की नाफरमानी करेंगे और इसके बरखिलाफ बीवी की इताअत की जाएगी, कौम का सरदार और जिम्मेदार जलील और बदतरीन किस्म का आदमी होगा, अगर ये अलामतें हो जाएं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर इंतजार करना कि सख्त किस्म के जलजले आएं, जमीन धसे या आसमान से पत्थर बरसने लग जाए। हजरत मेहदी के पहले हालात बहुत खराब हो जाएंगे, मुसलमानों पर जुल्म सितम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मामला यहां तक आ जाएगा कि मीना में हज के मौके पर बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल व क़त्ल होगा, खून बहाया जाएगा। मुसलमानों का एक सालेह अमीर खलीफा, उसका कत्ल होगा और उसके कत्ल के बाद मुसलमान परेशान होंगे कि किस शख्स को अमीर बनाया जाए। पूरी दुनिया के मुंतखब 7 उलमाए किराम मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे, सालिहीन का एक जत्था वहां पर जमा होगा और वो लोग बेचैन होंगे कि कोई शख्स के रहबरी के अंदर हम लोग अब जंग का सिलसिला शुरू करें और दुश्मनों को जवाब दें। वो परेशान होंगे, तलाश में लगेंगे कि कोई शख्स हमको मिल जाए, और इस दरमियान उनकी नजर जाएगी एक शख्स की तरफ जो मदीना में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत तक आने वाली एक जमात हमेशा होगी जो हक के ऊपर लड़ती रहेगी और उनका आखिरी अमीर होगा जिसका नाम महदी होगा। वो मेरे खानदान से होगा, फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की औलाद में से होगा, और बाद रिवायतों में साफ तौर से नकल किया गया है कि हजरत हसन रजी अल्लाहु अन्हा की औलाद में से होगा। उनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह होगा, उनका लकब मेहदी होगा। जब लोग उनकी तरफ पहुंचेंगे कि आप हमें बयात कर लें, तो साफ तौर से इनकार करेंगे, उलमा उनसे तस्दीक चाहेंगे कि क्या आप ही मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नहीं है, तो कहेंगे कि नहीं, मैं तो एक अंसारी। अंसारी से मुराद मुसलमानों की मदद करने वाला। तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करें। उलमा ने यहां लिखा है, जिन लोगों के अंदर रूहानियत होती है वो किसी चीज का दावा खुद नहीं करते, लोग खुद उनको कबूल करते हैं, उनको किसी चीज के दावा करने की जरूरत नहीं पेश आती। हजरत मेहदी का यही हाल होगा कि लोग उनको कहेंगे कि आप अपने हाथ पर हमको बयात करें, लेकिन वो इनकार करेंगे। यहां तक कि वो बचने के लिए वहां से निकलकर मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले आएंगे खामोशी में। उलमा का ये काफिला और ये जमात
तलाश करते करते मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, उनको तलाश कर लेंगे, वो देखेंगे, फिर मौका पाकर मदीना आ जाए। तीन मरतबा ये मामला होगा, उसके बाद तीसरी मरतबा मक्कतुल मुकर्रमा ही में हजर अस्वद के करीब बैतुल्लाह की चादर पकड़कर खूब गिड़गिड़ा कर तड़प तड़प कर वो उम्मत के हाल पर रो रहे होंगे और दुआ कर रहे होंगे। इस दरमियान उलमा की जमात उनके पीछे जमा होगी और फिर उनकी मिन्नत समाजत करके उनको मजबूर करके तैयार करेंगे कि आप अपने हाथ पर हमको बयात कर लें। और अबू दाऊद शरीफ की रिवायत के मुताबिक उस मौके पर एक निदा आएगी कि इनके हाथ पर बयात कर लो, ये अल्लाह का खलीफा महदी है। उस वक्त उनके हाथ पर लोग बयात करेंगे। उस मौके पर तुर्किस्तान से करीब एक इलाका है, वहीं से दरियाए फरात निकली हुई है। हदीस में फरमाया गया कि जब दरियाए फरात से एक सोने का पहाड़ जाहिर हो जाएगा, उस मौके पर हजरत मेहदी लोगों के सामने जाहिर होंगे। चुनांचे हजरत मेहदी के हाथ पर लोग बयात करेंगे और उसके बाद मुसलमानों की मदद के लिए तैयारी करने का हुक्म होगा। इस दरमियान अब्दुल्ला नामी एक शख्स होगा जो सुफियानी होगा और ये मुसलमानों का हमदर्द बनकर बहुत बड़ी तादाद में अपने साथ में मुसलमानों को भी शरीक करके मक्का मुकर्रमा की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ेगा या मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ। और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की पकड़ फरमाएगा, जमीन फटेगी और उनको धंसा दिया जाएगा। ये सुफियानी जो शख्स होगा ये मुसलमानों की कुछ खिदमात करके उनका एतमाद बहाल कर लेगा और उसके बाद लोगों का इसके ऊपर एतमाद हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा। तो हजरत मेहदी के हाथ पर जब सालिहीन की जमात बयात कर लेगी, उस वक्त मुसलमानों ही के कुछ अफराद होंगे जो सुफियानी लश्कर के साथ में मिलकर हजरत मेहदी का मुकाबला करने के लिए मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ बढ़ेंगे और अल्लाह ताला उनको धंसा देगा, जिसकी वजह से दीगर जो सालिहीन होंगे वो भी इत्मीनान की सांस लेंगे और वो भी बयात के लिए फौरन मदीनतुल मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा आ जाएंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस मौके पर सुफियानी लश्कर और बनू कल्ब के उस कबीले की माल गनीमत से जो महरूम हो गया, बहुत बड़ी खैर से महरूम हो गया। उसके बाद हजरत मेहदी यहां से निकलेंगे और इस्तांबुल की तरफ जाएंगे, जिसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता है। उससे पहले ही ईसाई इनको रोकने की कोशिश करेंगे और एक बहुत बड़ी जंग होगी। उस जंग के अंदर तीन टुकड़े मुसलमानों के हो जाएंगे, एक गिरोह शहीद हो जाएगा, एक गिरोह काफिरों से जाकर हाथ मिला लेगा, यहूदियों से जाकर हाथ मिला लेगा, और एक गिरोह होगा जो खालिसीन मुत्तकीन और परहेजगारों का होगा, मुखलिसीन का होगा। ये गिरोह हजरत मेहदी के साथ रहेगा और उसके बाद फिर ये दोबारा उनके ऊपर हमला करेंगे और अल्लाह ताला फतह अता फरमाएगा। उसके बाद हजरत मेहदी इस लश्कर को लेकर कुस्तुनतुनिया की तरफ बढ़ेंगे और कुस्तुनतुनिया जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फतह अता फरमाएगा, माल गनीमत यहां से हासिल कर ही रहे होंगे, जमा कर ही रहे होंगे कि इस दरमियान एक निदा आएगी कि होशियार हो जाओ, दज्जाल निकल चुका है। हजरत मेहदी एक जमात को तहकीक के लिए भेजेंगे
कि जाओ जाकर देखो मुल्क शाम की तरफ कि क्या वाकई में दज्जाल आ गया है, लेकिन पता चलेगा कि यह खबर झूठी है। इस दरमियान हजरत मेहदी लश्कर को लेकर मुल्क शाम की तरफ बढ़ेंगे और जब वहां पहुंचेंगे तो फिर खबर मिलेगी कि हकीकतन दज्जाल निकल चुका है। हजरत मेहदी के मुताल्लिक फरमाया गया है कि हजरत मेहदी तशरीफ लाएंगे 40 साल की उम्र में, 7 साल 8 साल या मशहूर रिवायत के मुताबिक 9 साल तक रहेंगे और 7 साल वो अकेले मुसलमानों को लेकर जंग लड़ते रहेंगे और आखिरी 2 साल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और वो दोनों साथ रहेंगे। हजरत मेहदी ये पहले से पैदा हुए होंगे उमूमी तौर से जैसे इंसान होते हैं, उनका कोई नुजूल आसमान से नहीं होगा, अचानक किसी जगह से खुरूज नहीं होगा कि वो निकल कर आएंगे, बल्कि उमूमी तौर से लोगों ही के अंदर होंगे और एक ही रात में अल्लाह तबारक व तआला उनके अंदर खिलाफत की सलाहियत पैदा फरमा देगा। हजरत मेहदी कुस्तुनतुनिया फतेह करने के बाद मुल्क शाम जब पहुंचेंगे, जब पता चलेगा कि हकीकतन दज्जाल निकल चुका है, वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा कि दज्जाल का लश्कर मुसलमानों को घेर रहा है, मुसलमानों का लश्कर मुल्क शाम से फलस्तीन बैतुल मक़दिस पहुंचेगा और दज्जाल का लश्कर मुसलमानों को एक मखसूस घाटी की तरफ भगाने की कोशिश करेगा और एक उफीक नामी घाटी पर मुसलमानों की एक जमीयत को दज्जाल का लश्कर घेर लेगा। हजरत मेहदी अपने साथियों से मशवरा करेंगे कि बहुत तकलीफ हो चुकी, अब इसका जवाब देने के लिए खड़े होना चाहिए। फाके की यह हालत होगी कि कमानों की तार जला जला कर वो खाने पर मजबूर होंगे। उस मौके पर हजरत मेहदी अपने साथियों से कहेंगे कि क्या मौका नहीं आया है कि हम इसके जवाब के लिए खड़े हो जाएं और इसका मुकाबला करें। सब साथी उनके हाथ पर बयात करते हुए ये कहेंगे कि हम इसके लिए तैयार हैं और पूरी रात उनकी दुआ तस्बीह इस्तिग़फ़ार के अंदर गुजरेगी और ये लोग यहां से फजर के वक्त में दमिश्क पहुंचेंगे। दमिश्क में फजर की नमाज की अजान हो चुकी होगी, हजरत मेहदी फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर जा चुके होंगे और इकामत भी कही जा चुकी होगी, तकबीर भी कही जा चुकी होगी। उस मौके पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरिकी सफेद मीनारे पर दो फरिश्तों के सहारे से उतरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे। आजकल जो लोग पहले महदवियत का दावा करके और उसके बाद जब उनकी तनख्वाहों में इजाफा और प्रोमोशन का कहा जाता है तो उस वक्त जरा तरक्की करते हुए ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक भी वो कहते हैं कि हम ही हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम का असल नाम यही ईसा है, इब्ने मरियम इनकी कुन्नियत है, मसीह इनका लकब है, कलिमतुल्लाह इनका लकब है, रूहुल्लाह इनका लकब है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौजज़ात अता फरमाए थे कि मदर ज़ात नाबीना और अंधे को अल्लाह ताला उनके हाथों से शिफा दे देता। कोड़ी शख्स, बर्स वाला शख्स हदीसा अलैहिस्सलाम के पास आता, अल्लाह ताला उनके हाथों से शिफा दे देता। मिट्टी की चिड़िया और परिंदा बनाकर ईसा अलैहिस्सलाम के सामने कोई पेश करता था वो अल्लाह के हुक्म से उसको हुक्म देते थे तो उसमें जान पड़ जाया करती। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात थे।
यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से दुश्मनी की बिना पर उनको कत्ल करने की तरकीब सोची और कुछ लोग तैयार हुए और एक मखसूस जगह पर ईसा अलैहिस्सलाम जहां दाखिल हुए थे वहां ये कत्ल करने के लिए दाखिल हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। उन्होंने अपने ही अंदर के एक शख्स को फांसी पर लटका दिया ये समझकर कि ये ईसा इब्ने मरियम है। आज भी जो सलीब पर प्लस का निशान जो बनाया जाता है ईसाई यही कहते हैं कि सलीब पर ईसा अलैहिस्सलाम को लटकाया गया था वही वो सलीब अपने गलों के अंदर लटकाते हैं। कुरान करीम में फरमाया गया वमा कतलूहु वमा सलबूहु, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ना ही कत्ल किया है ना ही सलीब पर चढ़ाया है, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, उनको तो मुशाबहत हुई, अपने ही अंदर से एक आदमी को उन्होंने लटका दिया, फांसी दे दी और वो ये समझते रहे कि हमने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया, सलीब पर चढ़ा दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको आसमान पर उठा लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम कयामत से पहले तशरीफ लाएंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे, दो फरिश्तों के सहारे से नाजिल होंगे, उनको उतारने के लिए एक सीढ़ी लगाई जाएगी, बदन के ऊपर हल्के जर्द रंग की हल्के पीले रंग की दो चादरें होंगी, बाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घुंघरियाले होंगे, बाद रिवायतों के मुताबिक सीधे होंगे लेकिन ऐसे जाहिर होंगे गोया के अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुसल करके बाहर निकले हों, पानी के कतरात चमकते हुए मोती की तरह उनके बालों के अंदर महसूस होंगे। इसके बर मुकाबिल दज्जाल के मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आपने इरशाद फरमाया नूह अलैहिस्सलाम के बाद से कोई नबी नहीं थे मगर ये कि उन्होंने अपनी कौम को दज्जाल से डराया और मैं आखिरी नबी हूं और दज्जाल तुम्हारे ही अंदर से निकलेगा। एक मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और आपने सहाबा को जमा फरमाया और फरमाया कि तमीमदारी जो नसरानी था उसने इस्लाम कबूल किया, उसने मुझे बतलाया कि वो 30 साथियों की एक जमात को एक लश्कर को लेकर सफर पर गए थे समंदर के अंदर और समंदर में उनकी कश्ती तूफान और आंधी की वजह से अपनी मंजिल से हट गई और एक महीने तक आंधी तूफान की वजह से वो परेशान होकर न जाने किस इलाके में पहुंच गए। एक महीने के बाद उन्हें एक छोटा सा जजीरा नजर आया, वो अपनी छोटी सी कश्ती से उस जजीरे के अंदर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि एक जानवर है जिसके बदन के ऊपर बहुत ज्यादा बड़े बड़े बाल हैं। ये उनके उस जानवर के करीब गए और जाकर पूछा कि तेरा नाज हो तो कौन है, उसने कहा मैं जस्सासा हूं, अरबी का लफ्ज है जासूस से है, दज्जाल के लिए जासूसी करने वाला। इन्होंने पूछा कि तू कौन है क्या करेगा, तो कहने लगा मेरी तफसील तुम्हें बाद में पता चल जाएगी, तुम पहले उस रुख पर जाओ तो तुम्हें सारी हकीकत पता चल जाएगी। वो उस रुख पर आगे बढ़े और एक गार की तरह से उनको नजर आया, अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने एक शख्स को देखा कि जो पैर से लेकर सर तक सकली के अंदर जंजीर के अंदर बंधा हुआ है और दोनों हाथ गर्दनों से उसके बांधे हुए। इन लोगों को देखकर उसने जोरदार हरकत की गोया छूटने के लिए कुछ मौका मिले और चिल्लाते हुए पूछा कि तुम कौन हो,
इन लोगों ने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा, मेरे बारे में तो तुमको पता चल ही जाएगा, लेकिन तुम बतलाओ कि तुम कौन हो। तो इन लोगों ने बतलाया कि हम लोग इस तरह से सफर कर रहे थे और तूफान की वजह से हम लोग रास्ता भटक गए और यहां पर पहुंचे हैं। उसने तीन सवाल किया और कहा कि क्या पैसान बागीचे के अंदर आज भी फल आता है? उन्होंने कहा कि हाँ, अभी फल आता है। दूसरा सवाल किया कि क्या बहीरे कुदरिया में पानी आज भी बाकी है? उन्होंने कहा कि हाँ, बाकी है। बहीरे कुदरिया ये आज इसराइल के करीब उससे मुत्तसिल है, जिसको बहीरे मुर्दार भी कहा जाता है, जिसमें कोई डूबता नहीं है। उसने पूछा क्या उसमें पानी है? इन्होंने कहा कि हाँ। उसने तीसरा सवाल किया, क्या नहरे जोहर में पानी है? इन्होंने कहा कि हाँ, अभी पानी है, और ये मुल्के शाम के किसी इलाके से निकलती। उसने जोरदार हरकत की और चिल्लाते हुए कहा कि अंतरीब वो वक्त आएगा कि बेईसान के बागीचे के फल सूख जाएंगे और ये दोनों नहरों का पानी खत्म हो जाएगा, और उस वक्त तो मुझे निकाल दिया जाएगा और निकलने की इजाजत होगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर नबी ने अपनी कौम को इसके फितने से डराया है, लेकिन मैं इसके बारे में तुमको वो बातें बतलाता हूं जो आज तक किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बतलाई। आपने फरमाया कि वो एक आंख से काना होगा और दूसरी आंख उसकी ऐसी होगी जैसे किसी चीज को पोछ दिया गया हो, बिल्कुल सपाट और सीधा हो। उसी से उसको मसीहित दज्जाल कहा जाता है कि उसका हिस्सा पोछ दिया गया। दज्जाल दज्जल से है, धोखे में सबसे बड़ा और खतरनाक धोखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसकी दोनों आंखों में गायब होगा, एक आंख से काना होगा और दूसरी आंख बिल्कुल सपाट होगी, और उसका हिस्सा ऐसा होगा गोया कि उभरा हुआ अंगूर। उसकी पेशानी पर काफा साफ तौर से लिखा हुआ होगा, लेकिन इसको सिर्फ वही पढ़ पाएगा जो मुत्तकी परहेजगार और ईमान में पुख्ता हो। टेक्नोलॉजी में साइंसदान यहूदी नसरानी कितने भी आगे बढ़ जावे, लेकिन अंदरूनी तौर से ईमान की सलाहियत न होने की वजह से वो देखने की ताकत उनके अंदर नहीं रहे। और मोमिन चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे जाहिल हो, साफ तौर से दज्जाल की पेशानी पर काफ पारा लिखा हुआ वो देख लेंगे और पहचान लेंगे कि ये दज्जाल है। दज्जाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसका ये हाल होगा कि ये जिस तरफ जाएगा तबाही मचा देगा। अपनी खुदाई के दावे पर लोगों को मजबूर करेगा कि कबूल करें, और जो इसका इनकार करेगा उसको सख्त से सख्त आजमाइशों में मुब्तला किया जाएगा और बड़ी तहाना से उनको गुजरना पड़ेगा। इसके साथ में एक जन्नत होगी और एक जहन्नम होगी, लेकिन हकीकतन उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम जन्नत होगी। जिसने उसकी जन्नत का इनकार किया और उसकी जहन्नम के अंदर कूद गया, वो हकीकतन में हकीकतन बच जाएगा और उसके शर से महफूज रह जाएगा। आजकल 3D और 7D के जरिए से वीडियो बनाकर बिल्कुल हकीकत जाहिर करने की कोशिश की जाती है कि देखने वाला महसूस नहीं करता कि ये मंजर हकीकत में है या स्क्रीन के ऊपर बताया जा रहा है। वल्लाहु आलम उस वक्त क्या हालात होंगे कि किस तरह से वो धोखा देने की कोशिश करेगा और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। वो जिस रुख पर बढ़ेगा, हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसके साथ में खजाना चलेगा गिज़ा का, जमीन को हुक्म देगा तो उसमें से खजाना जाहिर हो जाएगा और उसके पीछे पीछे चलेगा, यानी उसके ताबे होगा।
तो शैतान उसके साथ में होंगे और वो किसी देहाती को आरबी को पकड़ कर कहेगा कि अगर तेरे माँ बाप को मैं जिंदा कर दूं और वो तुझे कहें कि मैं तुम्हारा खुदा हूं तो क्या तू मुझे खुदा मानेगा या नहीं, वो कहेगा बतला दो। तो दो शैतान उस शख्स के मरे हुए माँ बाप के जैसा शक्ल सूरत उनकी शबाहत इख्तियार करके कहेंगे कि हम लोग मर गए और इतने इतने हमको साल हो गए लेकिन कोई खुदा नहीं, हकीकी खुदा यही है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और वो देहाती और वो अरबी इस बात से मुतासिर होकर उसको खुदा मान लेगा। चलते चलते एक मुसलमान शख्स को बुलाएगा और बुलाकर उसको कहेगा कि क्या मैं तुझे कत्ल कर दूं और कत्ल करने के बाद दोबारा जिंदा करूं तो क्या तू मुझे खुदा मानेगा या नहीं, वो कहेगा नहीं। उस शख्स को दज्जाल लोगों के सामने कत्ल करेगा, कत्ल करने के बाद उसके दोनों जिस्म के दोनों टुकड़ों के दरमियान 40 हाथ के करीब फासला होगा, फिर ये हुक्म देगा और वो दोनों टुकड़े जुड़ जाएंगे और फिर वो जिंदा होकर खड़ा हो जाएगा। फिर दज्जाल उस मोमिन से पूछेगा कि तुझे कत्ल करके मैंने दोबारा जिंदा किया, क्या अब तू मुझे खुदा मानता है या नहीं, वो कहेगा कि तेरे दज्जाल होने के बारे में मुझे आज और ज्यादा यकीन हो गया, मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, मैंने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम तक पहुंची कि आपने इरशाद फरमाया था कि दज्जाल को अल्लाह तबारक व तआला किसी मोमिन के कत्ल करने पर इख्तियार देगा लेकिन वो एक ही मरतबा कत्ल कर पाएगा, दोबारा कत्ल नहीं कर पाएगा। वो मोमिन कहेगा अगर तू अपनी खुदाई का दावा करता है तो अब दोबारा मुझे कत्ल करके बता, लेकिन उसकी ताकत उसके ऊपर नहीं चल पाएगी। तो दज्जाल के ये हालात रहेंगे, तो फितना जमीन के ऊपर बहुत बरपा करेगा, लोगों को नुकसान के अंदर मुब्तला करेगा, जो उसके ऊपर मुखालिफत में खड़ा होगा उनको कत्ल करवाएगा या पानी का खजाना जब्त करके रोक लेगा और जो उसको खुदा मान लेगा उस इलाके के अंदर हुक्म देगा तो बारिश बरसेगी। याद रखना ये सारी चीजें अल्लाह ताला उसको देगा लोगों की आजमाइश के लिए, उसका ये फितना बिल्कुल उरूज पर होगा और आखिरी में बैतुल मुक्दिस के करीब एक पहाड़ी पर मुसलमानों का मुहासरा कर लेगा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहि हजरत महदी मुकाबले के लिए निकलेंगे और दमिश्क की मस्जिद में फजर की नमाज के मौके पर जब वो मुसल्ले के लिए आगे बढ़ रहे होंगे फजर की नमाज पढ़ाने के लिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो हजरत महदी मुसल्ले से पीछे हटकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाएं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि नहीं, तकबीर तुम्हारे लिए कही गई है, इमामत भी तुम ही करो। और फरमाया कि तुम्हारा इमाम तुम्हारे ही अंदर से रहेगा। हजरत मेहदी नमाज पढ़ाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उम्मते मुहम्मदिया के एक फर्द के पीछे नमाज पढ़ेंगे जिससे नसरानियों को भी ये पैगाम मिल जाएगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत लेकर नहीं आए हैं, वो ताबे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के। एक नमाज हजरत मेहदी के पीछे अदा फरमाएंगे और उसके बाद में फिर बकिया नमाजों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद इमामत फरमाया करेंगे। नमाज पढ़ने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों से कुछ बातचीत करेंगे दज्जाल से मुकाबले के लिए। लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा उसने तकलीफें पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया, सारे हालात ईसा अलैहिस्सलाम सुनेंगे फज्र की नमाज के बाद और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि दरवाजा खोलो। एक रिवायत में तो यही तذکرہ किया गया है कि दमिश्क की मस्जिद के मशरकी मीनारे पर उतरेंगे, दूसरी रिवायत में मस्जिद अक्सा के मुतालिक तذکرہ किया गया। मुफस्सिरीन ने मुहद्दिसीन ने इसको तदबीक देने की कोशिश की है
कि मस्जिद अक्सा भी उसी इलाके से मुत्तसिल है और मशरिकी सिमत ही में वाक़े हैं, तो उसको भी मानने के अंदर कोई हर्ज नहीं कि मस्जिद अक्सा की तरफ बैतुल मक़दिस की तरफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल किया जाए। नमाज पढ़ाने के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के हालात से वाकिफ होंगे, कुछ बातचीत करेंगे और उसके बाद दरवाजा खोलने का हुक्म देंगे। जैसे ही दरवाजा खोला जाएगा तो दज्जाल अपने लश्कर के साथ, और दज्जाल के साथ उस वक्त 70,000 यहूदियों का एक लश्कर होगा, जो उस वक्त के एतबार से जो खतरनाक किस्म के हथियार होंगे उनसे लैस होंगे और वो मुकाबला करने के लिए बिल्कुल खड़े हुए होंगे। जैसे ही दरवाजा खोला जाएगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर उसके मुकाबले के लिए मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर जब दज्जाल के मुताल्लिक इरशाद फरमाया था और उसकी सारी कैफियात बतलाई थी, तो उस मौके पर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस सुनकर घर तशरीफ ले गए, शाम तक परेशान रहे और शाम में फिर मस्जिद नबवी में आए तो घबराहट उनके चेहरे से जाहिर हो रही थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम बहुत घबरा रहे हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दज्जाल के मुताल्लिक तज़किरा किया, हमें इतना खौफ हो गया, ये महसूस हो रहा था कि कहीं यहीं कोई बागीचे के अंदर से और दरख्त खजूर के दरख्तों के दरमियान से दज्जाल ना निकल कर आ जावे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ और दज्जाल निकल कर आ गया तो तुम्हें कोई खौफ और खतरा नहीं, मैं खुद उसका मुकाबला कर लूंगा, और मेरे बाद आ गया तो हर मोमिन का मुहाफिज उसका रब होगा, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। और फरमाया कि अगर तुम में से कोई शख्स दज्जाल को पाए तो सूरे कहफ की पहली 10 आयतें, बाद रिवायत मुताबिक आखिरी 10 आयतें पढ़ ले, अल्लाह ताला दज्जाल के फितने से तुम्हारे में हिफाजत फरमा ले। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के कत्ल के लिए आगे बढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से किसी की ताकत नहीं होगी कि वो दज्जाल को कत्ल कर पाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह तबारक व तआला इतनी ताकत अता फरमाएगा कि उसको कत्ल करने के लिए आगे बढ़ेंगे, और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही के लिए रहेगा खास कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी और उनकी नाक से निकलने वाली हवा सांस जितनी दूर तक जाएगी उतनी दूर तक खुद ब खुद यहूदी कत्ल होते जाएंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर दज्जाल ऐसा पिघलने लगेगा जैसा कि नमक पर पानी पड़ने की वजह से पिघलना शुरू होता है। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करने के लिए आगे ना भी बढ़ते तब भी दज्जाल ऐसे ही घुल जाता, पिघल जाता जैसे नमक पिघलता है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक हर्ब एक हथियार लेकर आसमान से उतरे हुए होंगे, उस हथियार के जरिए से उसको कत्ल करने के लिए आगे बढ़ेंगे और दज्जाल का पीछा करेंगे। मकामे लुद जहां पर आज इसराइल का हवाई अड्डा है, गालिबन इसलिए बनाया होगा कि दज्जाल को उसमें बिठा कर भगा देंगे हवाई जहाज में, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका हवाई जहाज उड़ने से पहले ही उसको पकड़ लेंगे और पूरा उसका पासपोर्ट वगैरह कैंसिल हो जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहीं पर मकामे लुद पर उसको कत्ल करेंगे। यहूदियों का ये हाल होगा कि मुसलमान उनको कत्ल करने के लिए दौड़ेंगे और यहूदी अपनी जान बचाकर किसी दरख्त किसी पत्थर के पीछे छुपना चाहेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त इन चीजों को बोलने की ताकत अता फरमाएगा। दरख्त के पीछे से आवाज आएगी मुसलमान को कि मेरे पीछे फलां यहूदी छुपा हुआ है, आ और उसको कत्ल कर दे, और मुसलमान जाकर उसको ज़िबह करेगा जानवरों की तरह। नसरानियों की बहुत बड़ी तादाद ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर इस्लाम कबूल कर लेंगे। यहूदियों की बड़ी तादाद और अक्सरियत वो दज्जाल का साथ देने वाली रहेगी और उनका मुसलमान कत्ल कर देंगे, सफाया हो जाएगा। मुसलमान इस कत्ल क़िताल से और जंग से फारिग होंगे, चंद साल गुजरने न पाएंगे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा कि अब तैयार हो जाओ,
ہم اپنی مخلوق میں سے ایسی مخلوق کو بھیج رہے ہیں جس کے مقابلے کی تم میں سے کسی کو طاقت نہیں ہے، اور وہ ہے یاجوج ماجوج۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے متعلق ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، فجر کی نماز کے موقع پر آپ تشریف لائے، آپ کا چہرہ بالکل متغیر تھا، سرخ ہو چکا تھا۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، ویل للعرب، عرب والوں کے لیے ہلاکت ہو، آج یاجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا حصہ کھول دیا گیا۔ اشارہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اتنا حصہ، ایک سوراخ کے برابر اتنا حصہ کھول دیا گیا۔ یاجوج ماجوج کے متعلق بڑا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن مختصرا یہ، ذوالقرنین بادشاہ سفر کرتے ہوئے ان کے علاقے میں پہنچے، ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ یہاں کے کچھ افراد ہیں جو روزانہ یہاں نکل کر آتے ہیں اور ہمیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اس لیے ہماری مدد کیجئے اور ان سے آڑ کے لیے کوئی دیوار وغیرہ بنا دیجئے۔ اس موقع پر ذوالقرنین بادشاہ نے ان لوگوں کی مدد سے، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی طاقت ان کو عطا فرمائی تھی، اس کے ذریعے سے انہوں نے ایک خطرناک موٹی لمبی چوڑی اونچی دیوار بنائی کہ وہ یاجوج ماجوج اس کو پار ہی نہ کر پائے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے یافس کی اولاد میں یاجوج ماجوج کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا کہ اب آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیے، ہماری مخلوق میں سے وہ مخلوق نکلنے والی ہے جس کے مقابلے کی آپ میں طاقت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مسلمانوں کی وہ تعداد جس میں 800 صالحین مرد اور 400 عورتیں ہوں گی، ان لوگوں کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج کا قافلہ نکلے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، کہ وہ ایسا محسوس ہوگا کہ ہر اوپر کی جگہ سے نیچے پھسلتے ہوئے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، ہر جگہ وہی نظر آئیں گے یاجوج ماجوج۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آپ کی اولاد میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کی تعداد بہت زیادہ ہوں گی اور وہ جہنمی ہوں گے، 1000 لوگ اگر جہنم، 1000 لوگ اگر ہیں تو ان سے 999 لوگ جہنمی ہوں گے، اور ایک شخص ہوگا وہ جنت میں جائے گا، وہ شخص عام لوگوں میں ہوگا، اور 999 لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں۔ یعنی یہ پوری دنیا کی مثال سمجھیں کہ مثلاً 1000 لوگ پوری دنیا میں ہیں تو 999 کی تعداد کے برابر یاجوج ماجوج کی تعداد ہو، اتنی بڑی تعداد ان کی ہوگی۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے بحیرہ قبریہ اس کے قریب آئیں گے، اس سمندر کے قریب، اور یہاں آ کر وہ لوگ پانی پیئیں گے، تو ان کا اگلا حصہ پانی پینے کے بعد آگے بڑھے گا، اور پچھلا حصہ جب وہ سمندر پر پہنچے گا تو وہاں پوری زمین خشک ہوگی، اور وہ کہیں گے کہ شاید کسی زمانے میں یہاں پانی رہا ہوگا۔ اتنی بڑی تعداد میں یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی جو وہاں پر پانی پی کر آگے بڑھے گی، اور پانی میں ختم ہو جائے گا۔ پوری دنیا کے اندر وہ لوگ بھی قتل و قتال مچا کر رکھیں گے، اور اس کے بعد یہ آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھنے کے بعد بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ ہے جبل الخمر، اس پہاڑ کے اوپر وہ لوگ چڑھیں گے، اور چڑھنے کے بعد وہ دعویٰ کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے دنیا کے انسانوں میں سے سب کو ختم کر دیا، ان کے تیر کو واپس اس طرح سے لوٹائے گا کہ وہ خون میں بھرا ہوا ہو، تو وہ لوگ چلائیں گے اور کودیں گے کہ ہم نے اب آسمان والے کو بھی قتل کر دیا۔ مختصر میں بتلا رہا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی
अल्लाह ताला से खूब रो रो कर दुआ करेंगे कि अल्लाह इनसे निजात अता फरमा। अल्लाह तबारक व ताला याजूज माजूज को एक बीमारी देगा जो उनकी गर्दन के अंदर एक गिल्टी एक गांठ के जैसी होगी और पूरी याजूज माजूज कौम को यही बीमारी होगी और पूरी याजूज माजूज की कौम एक साथ मरेगी जैसे एक आदमी मरता है। ये मर जाएंगे और उनके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर कोहे तूर से नीचे उतरेंगे, जमीन में एक बालिश्त हिस्सा भी न बचेगा जहां पर याजूज माजूज की लाश न। पूरी दुनिया बदबूदार हो चुकी होगी। अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह बारिश बरसा दीजिए। अल्लाह तबारक व ताला परिंदों में से कुछ परिंदों को भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंट के जैसी होगी, वो इनकी लाशों को लेकर अल्लाह ताला जहां चाहेगा अल्लाह ताला की जमीन के अंदर से किसी जमीन में वो ले जाकर फेंकेंगे और उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा जमीन को आसमान को हुक्म होगा कि बारिश बरसाए, बारिश बरसेगी और पूरी जमीन पाक और साफ हो जाए। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा जमीन को कि अपनी बरकात जाहिर कर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी बरकतों का ये हाल होगा, हजरत मेहदी के जमाने में भी बरकतें बहुत होगी, माल गनीमत मुसलमानों के कब्जे में आएगा और जकात लेने वाला भी कोई मुसलमान नजर नहीं आएगा, कसरत हो जाएगी माल की। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर तो ये हाल होगा कि सोने के टुकड़े और सुतून पड़े हुए होंगे लेकिन लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, जमीन अपनी बरकत जाहिर करेगी और एक बकरी का दूध एक छोटे खानदान वालों को काफी हो जाएगा, एक अनार का छिलका एक कबीले वालों के लिए साए के लिए काफी हो जाएगा, दरिंदों का खौफ लोगों के दिलों से निकल जाएगा। एक छोटी बच्ची दरिंदे के मुंह के अंदर हाथ डालेगी लेकिन उसे कोई खौफ नहीं होगा। इस तरह से अमन सुकून होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल के बाद में हदीस में नकल किया गया है कि सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कतल करवा देंगे। आज नसरानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से बिल्कुल हट चुकी हैं, सलीब गले को अंदर लटकाते हैं और खिंजीर खाते हैं और शराब पीते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। कयामत से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, ये सारी चीजों को खत्म फरमाएंगे तो जमीन की बरकतें जाहिर होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का निकाह होगा, उनकी औलाद होगी। हमारे हजरत मौलाना अबरार अहमद धुलियावी रहमतुल्लाह अलैह मजाकन कहा करते थे कि निकाह ऐसी चीज है कि हजरत ईसा भी अलैहिस्सलाम भी आसमान से जमीन पर तशरीफ लाएंगे निकाह करने के लिए और निकाह करने के बाद उनकी औलाद होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और जमीन पर 40 साल रहेंगे। दज्जाल जब निकल कर आएगा तो वो 40 दिन तक जमीन पर रहेगा और फसाद फैलाएगा। उसका पहला दिन एक साल के बराबर होगा, दूसरा दिन एक महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर होगा और बकिया दिन आम दिनों के जैसे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल दुनिया के अंदर रहेंगे, 2 साल तक हजरत मेहदी के साथ रहेंगे, उसके बाद हजरत मेहदी का इंतकाल होगा। हजरत मेहदी की नमाज जनाजा ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के निकाह के बाद औलाद भी होगी और उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा। 40 साल दुनिया के अंदर रहने के बाद इंतकाल से पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक सालेह तरीन शख्स को जिसका नाम मुकाद होगा उसको वो खलीफा बनाएंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल होगा और हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अथर के बाजू में जहां एक जगह खाली छोड़ी गई है वहां पर उनकी तदफीन होगी, मजार अकदस के बाजू में। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मुकाद नामी शख्स ये लोगों का खलीफा और अमीर होगा और उसके बाद में
30 سال بھی گزرنے نہ پائیں گے کہ پھر لوگوں کے دلوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا, ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور لوگوں کے دل سے ایمان نکال لیا جائے گا اور لوگوں کے دلوں سے امانتیں ختم ہو جائے گی. زناکاری کا یہ حال ہوگا کہ راستے پر چلتے چلتے جس طرح سے جانور زنا میں مبتلا ہوتے ہیں اس طرح سے کھلے عام زنا کے اندر لوگ مبتلا ہوں گے, ایسے ہی بدترین لوگوں کے اوپر قیامت واقع ہوگی. جب زمین کے اوپر نیک اور صالح کوئی واقع نہ رہے باقی نہ رہے. مولانا ابرار احمد صاحب دھولیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہو. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سے ہم لوگ مرغی پالنے کے لیے ایک دربا بناتے ہیں, اس کا گھر بناتے ہیں, اور جب پتا چلتا ہے کہ مرغی ختم ہو گئی یا مر گئی تو اس کے بعد مرغی کا مالک اس کو مرغی کا تو کھا ہی لیتا ہے یا مر گئی تو مسئلہ ختم, لیکن اس کے دربے کو توڑ کر جلا دیتا ہے کہ اب مرغی ہی نہیں تو اس کو رد کر کیا فائدہ. ویسے ہی دنیا کے اندر رہنے والے اصل مومنین ہیں, جب مومن ختم ہو جائیں گے تو دنیا کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرما دے گا. ایسے بدترین لوگوں کے اوپر قیامت واقع ہوگی اور پہاڑ اڑ رہے ہوں گے اور سمندر ہانکے جائیں گے اور ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو بھگا کر حشر کی زمین یعنی ملک شام کی طرف لے کر جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے جب مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر توبہ کا دروازہ بند فرما دے گا. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ روزانہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ سورج اپنے رب کو سجدہ کرنے کے لیے غروب ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, پھر وہ اگلی سمت سے طلوع ہوتا ہے. قیامت سے پہلے ایک موقع آئے گا کہ وہ غروب کے لیے جائے گا اور وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ آج اسی جگہ سے طلوع ہو جا, اور وہ اسی جگہ سے طلوع ہوگا اور آدھے آسمان تک آئے گا اور اس کے بعد پھر واپس جائے گا, اور اس کے بعد قیامت کب آ جائے گی کسی کو پتہ نہیں ہوگا, توبہ کا دروازہ پھر بند کر دیا جائے گا. وقت کافی ہو چکا, مختصرا اب یہ بات سنیں کہ دجالی فتنہ اس کے ساتھ دینے والے یہودی ہیں اور یہودی مستقل اس سازش کے اندر اور کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ دجال کے لیے کس طرح سے میدان ہموار کیا جائے, کس طرح سے راستہ ہموار کیا جائے اور اس کے لشکر کو ترتیب دی جائے. اس کے لیے مستقل ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, الگ الگ تنظیمیں, الگ الگ گروپ ان کے بنے ہوئے جس کے ذریعے سے اس مشن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک شخص آئے گا جو ہم کو نجات دلائے گا, لیکن حقیقی طور سے وہ ایسا ہی ہوگا کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ان کا وہ حال ہوگا کہ وہ اس کی اتباع کریں گے لیکن وہ خود بھی تباہ و برباد ہوں گے اور دجال بھی ختم ہوگا. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں نہیں ہیں, مسلمان اور نصرانی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں. نصرانی اس کے انتظار کی وجہ سے اسی طرح سے ترتیب کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ہم کس طرح سے جب ہمارے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو ان کا ساتھ دے سکتے ہیں, تو اس کے لیے کام کریں. وہ اس کا راستہ ہموار کرنے کے لیے پوری دنیا کا ایک ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دجال کا ساتھ دینے کے لیے یہودی کی تنظیمیں یہ سب سے زیادہ آگے ہیں. اس کام کو کرنے کے لیے یہودی مشنریاں مخصوص قسم کی علامتیں, دجال کے متعلق جو حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ اس کی پوچی ہوئی ہوگی, تو یہودیوں نے اس ایک آنکھ کو اپنا ایک خاص سمبول اور نشانہ بنایا ہوا ہے. مخصوص کچھ کمپنیاں اپنی چیزوں کے اوپر وہی نشان بناتی ہیں, ایک آنکھ کا نشان. اسی طرح سے احرام مصر ایک ترکون پہاڑ کی طرح سے جو مصر کے اندر ہے, جہاں پر
फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म सितम करके दिन रात उनसे एक काम करवाया था, वैसा ही ये यहूदी चाहते हैं कि ये टारगेट हमारे सामने रहे कि हम उसी के जरिए से हमारी फिक्रें ऐसी रहें कि हम दुनिया के दीगर लोगों को ऐसे ही गुलाम बनाकर रखें। इसी तरह से शैतान, दो सींग वाला शैतान, वो दज्जाल को ये समझते हैं कि उसके सींग भी होंगे, तो उसकी राह हमवार करने के लिए इस तरह से वो निशान हमेशा फिल्म स्टार के जरिए से और दीगर बहुत सारे बड़े लोगों के जरिए से कई कई मजालिस के अंदर बाकायदा करवाते हैं, जिसके जरिए से लोगों के जहन उन निशानात की तरफ हो जाएं ताकि उसकी राह हमवार। खाने पीने की चीजों के मुताल्लिक उनकी मुस्तकिल साजिशें और बाकायदा कमेटियां कायम है कि जो हराम चीजों के जरिए से लोगों के ईमान को सर्व करने के लिए और तकवा खत्म करने के लिए हराम चीजें उसमें दाखिल कर करके लोगों को खिलाने और पिलाने के लिए कोशिश में लगे हुए। टीवी और अखबारात के जरिए से मुस्तकिल ऐसी खबरें दे देकर लोगों के जहन को मुसलमानों से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुरान से मुखालिफत पैदा करने के लिए मुस्तकिल उसी तरह से प्रोग्राम बाकायदा तरतीब दे रहे हैं, वैसे सीरियल बना रहे हैं कि दुश्मनियां इस्लाम के खिलाफ लोगों के अंदर बर्पा हों और ये लोग दज्जाल का साथ देने वाले बने, ईसा अलैहि सलाम का साथ देने वाले ना बने। इस तरह से बहुत सारी कमेटियां उनकी अलग अलग बनी हैं जो हर रुख पर कायम कर रही हैं, हर रुख पर काम कर रही हैं और बड़े अच्छे अंदाज के अंदर वो अपने कामों के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन हम हैं कि हम गफलत के अंदर बैठे हैं, जिसके मुताल्लिक सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रहनुमाई फरमाई है कि हमें उनका साथ देने के लिए क्या करना। दज्जाल के फितने से बचने के मुताल्लिक एक तो यही कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरे कहफ की पहली 10 आयतें या आखिरी 10 आयतें पढ़ ले, या जुमा के दिन जो शख्स सूरे कहफ पढ़ ले अल्लाह ताला पूरा हफ्ता दज्जाल के फितने से बचाएगा। इसी तरह से अपने जाहिर और बातिन को ईमानी रिश्ते के साथ पुख्ता करें, गुमराही वाली चीजों से अपने आप को हटाएं, दूर करें, इल्म से, उलमा से अपने आप को जोड़ें ताकि गुमराही का दरवाजा बंद हो। आज शकील इब्ने हनीफ का जो फितना है, इसके जो पैरोकार हैं, उनका भी तरीका यही होता है कि वो पहला टारगेट ऐसे लोगों को करने की कोशिश करते हैं जिसका ताल्लुक किसी आलिम से नहीं हो, कि वो कयामत की कुछ अलामतों के मुताल्लिक, कुछ चीजों के मुताल्लिक उसके सामने ऐसी बातें करें, एक नया शख्स जो दीन के अंदर आया हुआ है, कुछ नमाजें पढ़ने लग गया है, कुछ चेहरे पर दाढ़ी आ गई, कुछ लिबास उसने अच्छा बना लिया, अब ऐसे लोगों को देखते हैं इसके अंदर जरा सा कुछ शौक नजर आ रहा है तो इसको हम गुमराह करने की कोशिश करें, ऐसे भोले भाले नौजवानों के करीब आकर वो जांचना चाहते हैं कि कहीं किसी आलिम से इसका राबता तो नहीं है, जब वो जांच लेते हैं कि किसी से इसका ताल्लुक नहीं है तो कयामत की अलामतें बतला कर उसको करीब करते हैं कि वाकई में सारी चीजें तो हो रही हैं, फिर वो धीरे से कहते हैं कि जो अलामतें थी वो हो गई हैं और जो मेहदी के बारे में कहा गया था वो भी आ चुके हैं। इस तरह से हमारे भोले भाले नौजवान गिरफ्तार हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं और उसके बाद अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अपने आप को उलमा से जोड़े रखें ताकि कहीं से गुमराही का रास्ता ना खोले। हमारे शहर पर अपने साथियों पर, कॉलेज के लड़कों के ऊपर हमारी नजरें रहें, दोस्त अहबाब के ऊपर नजर रहें कि कहीं हमारा कोई साथी ज़हनी एतबार से किसी के साथ मुलव्विस होकर दूसरे रास्ते पर गुमराही के रास्ते पर तो नहीं जा रहा, ऐसा ना हो कि वो हमारे हाथों से निकल जाए और उसके बाद हम सोचें कि कोई ना कोई तरीका इख्तियार करना चाहिए और हमारे शहर में भी काम करना चाहिए। दज्जाल का साथ देने वालों के मुताल्लिक हदीस में साफ तौर से कहा गया कि उसके साथ देने वालों में सबसे बड़ी तादाद यहूदियों की और औरतों की होगी। माएं बहनें जो सुन रही हैं वो भी अपने आप को ऐसी चीजों से दूर दूर रखें जो दज्जाली लश्कर के नुमाया खद्दुखाल की तरफ और उसके निशानों की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाने वाली हैं। अपना लिबास,
अपने बाल, रहन सहन, ये सारी चीजें जो आज मौजूदा दौर की डिजाइने बनाई जा रही हैं, उसमें आप तहकीक करें तो पता चलेगा वो उसी के लश्कर की तरफ रहनुमाई करने वाली। नौजवान लड़के जो आज मखसूस किस्म के लिबास पहन रहे हैं, और अजीब अजीब, अब तो बिल्कुल बाज नौजवानों को देखकर रहम आता है कि अच्छी बड़ी कीमती नई पैंटें खरीद कर लाते हैं, लेकिन इतनी फटी हुई कहीं यहीं से, कहीं यहां से, कहीं यहां से, दिल ये चाहता है कि अब के रमजान की सारी जकात जमा करके इनकी पैंटों का कुछ नज्म किया जाए। बाल जानवरों के जैसे, खिंजीर और बंदरों के जैसे ऊंचे करके उसके ऊपर अलग अलग किस्म की रंगतें इस्तेमाल करना, ये सब महसूस ये होता है कि उसी तरीके के ऊपर ही आगे बढ़ने की कोशिशें की जा रही है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके अंदर हम मुलविस हैं, या उनके खाने पीने की चीजों के अंदर या प्रोग्रामों के अंदर मुलविस होकर अपने जहन को खराब कर रहे हैं। ये चीजें ऐसी हैं कि एक वक्त आएगा कि हम ईमान वालों का और सही खालिसीन और मुत्तकीन का साथ नहीं देंगे, बल्कि हमारे दिल से तकवा निकलने की वजह से गुमराह लोगों का साथ देंगे। तो ऐसा ना हो, उससे हम अपने आप को बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला आने वाली कयामत तक की हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए, हर किस्म के छोटे बड़े फितनों से अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत।